आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में आरसीबी टीम को कुछ यंग प्लेयर की जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि आरसीबी टीम में देखा जाए, इस बार आप लोगों ने देखा होगा मेगा ऑक्शन में जाते हुए बहुत सारे ऐसे प्लेयर होंगे जिन्हें देखा जाए आरसीबी टीम रिलीज करेगी, जिसमें आप लोगों को फाफ डुप्लेसी होगा और दिनेश कार्तिक ने तो ऑलरेडी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, और फिर ग्लेन मैक्सवेल भी रिलीज होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आरसीबी टीम से बहुत बड़े बड़े प्लेयर रिलीज होने वाले हैं, तो आरसीबी टीम को कुछ ऐसे न्यू फ्यूचर स्टार की जरूरत पड़ेगी लाइक हैरी ब्रुक जैसे। अब देखिए, मैं हैरी ब्रुक का नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप मानो या फिर नहीं मानो, हैरी ब्रुक इंग्लैंड की फ्यूचर स्टार बनने वाले हैं। लाइक आप जैसा कि बेन स्टोक को देखते हो, जॉस बटलर को देखते हो, वैसे ही कुछ आप लोगों को नाम देखना आने वाले 5 से 6 सालों में हैरी ब्रुक का देखने को मिलेगा, और हैरी ब्रुक बहुत ज़्यादा डिमांड में रहने वाले हैं आईपीएल में। अब आप लोग बोलोगे कि हैरी ब्रुक का देखा जाए, लास्ट सीजन तो देखा जाए उन्होंने क्रिकेट खेला नहीं था, उससे पहले उन्होंने जितना भी एसआरएच टीम के लिए क्रिकेट खेला था वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी थी नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, देखिए हैरी ब्रुक की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी आती, लेकिन अगर कोई यंगस्टर आ रहा है और वहीं पे अगर आप देखो यंगस्टर पे इतना ज़्यादा प्रेशर आप बना दोगे, लाइक उन्हें 13 या 14 करोड़ की रकम में हैदराबाद ने अपनी टीम में शामिल किया था, तो आप लोग समझ सकते हो कि किसी आप देखा जाए कोई यंग प्लेयर, उन्होंने देखिए आईपीएल इससे पहले तो कभी खेला नहीं था, आपने पहली बारी में देखा 13-14 करोड़ उस प्लेयर को दे दिए और उनसे बोल दिया कि आप रन बनाइए, और रन कैसे बनाइए, लाइक एवी डिविलियर्स जैसे रन बनाइए, भाई वो प्लेयर कहाँ से बना देगा, वो पहली बार देखा जाए इंडियन कंडीशन में खेल रहे थे, वो पहली बार एशियन कंडीशन में खेलने के लिए आए थे, और आपने देखा है कि आईपीएल अच्छे अच्छे के देखा जाए धागे खोल दिए, आप मानो या फिर नहीं मानो अच्छे अच्छे बैट्समैन आके स्ट्रगल करते हैं आईपीएल में, तो हैरी ब्रुक कहां पे लग रहे थे। लेकिन हैरी ब्रुक ने फिर भी देखा जाए एक सेंचुरी बना दी थी, मतलब एक सेंचुरी उन्होंने बना के ये साबित कर दिया था कि वो देखा जाए बड़े मैचेस के प्लेयर हैं और बड़े टूर्नामेंट खेलने की काबिलियत हैरी ब्रुक के अंदर है। और देखिए आप लोग को मालूम है कि देखा जाए इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज का हमेशा आप लोग को पार्ट देखने को मिलते हैं, जब भी देखा जाए कोई भी टेस्ट सीरीज होती है वहां पर वो खेलते हुए नजर आते हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप में देखा जाए वो उनका पार्ट थे, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि इंग्लैंड की जो टीम है वो हैरी ब्रुक में इन्वेस्ट कर रही है, कहीं ना कहीं उन्हें अपनी टीम का फ्यूचर स्टार बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और अगर आरसीबी में ये प्लेयर आ जाता है तो देखिए आरसीबी टीम को भी एक मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन मिल जाएगा, नंबर 4 नंबर 5 का, क्योंकि अगर आप देखो तो आरसीबी के मिडिल ऑर्डर में अब आप लोगों को यंगस्टर देखने को मिलेंगे लाइक कैमरन ग्रीन होगा, विल जैक्स होगा, रजत पाटीदार होगा, वहीं पर अगर हैरी ब्रुक भी आ जाते हैं तो आरसीबी का जो देखा जाए अब फ्यूचर की टीम जो बन रही है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाएगी, और वहाँ पर विराट कोहली तो ऑलरेडी रहेंगे। तो मेरे हिसाब से आरसीबी टीम को जरूर हैरी ब्रुक को अपनी टीम में शामिल करना चाहिए। ये देखिए उनके पास गेम तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो पावर हिटिंग आराम से कर सकते हैं, इंग्लैंड के प्लेयर तो वैसे भी पावर हिटिंग करने के लिए जाने ही जाते हैं, तो मेरे हिसाब से विल जैक्स हो गए और हैरी ब्रुक दोनों इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन आपकी टीम में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप लोग बताइए आपके हिसाब से हैरी ब्रुक आरसीबी की टीम में आने चाहिए या फिर नहीं आने चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो में।